अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ ईशा उस्मान, आई एम ए कंप्यूटर साइंस टीचर। आज हम क्लास में कंप्यूटर साइंस जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ एरर। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, हम लोगों ने अपने सोल्यूशन को वेरीफाई करना होता है कि क्या वो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है या नहीं। उसके बाद हमने वैलिडेशन देखने की क्या प्रॉपर आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। अगर तो आप लोगों का आउटपुट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा, जब वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे हमें कुछ एरर फेस करने पड़ जाते हैं। अब उन एरर्स को किस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह करेक्ट करते हैं, ये हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टनेस ऑफ एरर, एरर को आइडेंटिफाई करना और उसे करेक्ट करना। एरर का दूसरा नाम होता है बच्चे बग। एरर तीन किस्म के होते हैं, सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। आप लोग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर। अब बाद में क्या होता है, वेरिफिकेशन प्रॉपर नहीं होती, वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई ना कोई लॉजिकल एरर आ जाता है। अब उस लॉजिकल एरर को हमने किस तरह से फाइंड करना है, और बच्चों तीन एरर्स हैं हमारे पास, थ्री टाइप्स ऑफ एरर है, और सबसे डिफिकल्ट होता है लॉजिकल एरर को डीबग करना, उसे फाइंड आउट करना और उसके बाद उसे करेक्ट करना। अब आप लोगों की बुक में एक छोटा सा एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसका सारा क्राइटेरिया क्या है, आप लोगों ने अपने स्कूल में से वो बच्चे कलेक्ट करने हैं जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के दरमियान की है। हम लोगों ने एक वॉलीबॉल टीम कलेक्ट करनी है, ठीक है। वो बच्चे जिनकी हाइट 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के बीच की है, यानी कि 144 भी और 164 भी और इसके मीड की कोई भी वैल्यू। सबसे पहले है स्टार्ट। जब भी एल्गोरिथम हम लिखते हैं तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टार्ट। सेकंड है सेट काउंट टू जीरो। मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, काउंट को जीरो के इक्वल रख दिया, क्योंकि अभी तक मैंने कोई भी बच्चा सिलेक्ट नहीं किया, तो इसका मतलब है मेरा काउंट क्या होगा, जीरो। जैसे जैसे मैं बच्चे सिलेक्ट करती रहूंगी वैसे वैसे मेरा काउंट इंक्रीज होता रहेगा। सेट ऑल हाइट्स, मैंने यहाँ ऑल हाइट्स की एक वेरिएबल ले लिया और उसमें कुछ हाइट्स जो है वो स्टोर करवानी है। मैंने यहाँ पे 8 हाइट्स स्टोर करवाई है। लेट्स सपोज मैंने 8 स्टूडेंट्स लिए हैं, उन 8 स्टूडेंट्स की हाइट है 154 सेंटीमीटर, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 142। वन बाय वन मैं एक एक बच्चा लूंगी, उसको देखूंगी कि क्या वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। अगर तो वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब है मेरे काउंट में इजाफा हो जाएगा, और अगर वो मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब है वो क्या है, वैलिड ही नहीं है। फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल हाइट्स, वन बाय वन एक एक हाइट वाला बच्चा उठाएंगे और चेक करेंगे क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी हाइट जो है वो 144 से ग्रेटर एंड हाइट इज लेस देन इक्वल्स टू 164। हमारी जो हाइट है वो 144 से ज्यादा, 164 या 164 से कम होनी चाहिए। अगर तो ये रिक्वायरमेंट पे वो बच्चे की हाइट जो है वो प्रॉपर आती है, देन आप काउंट को इक्वल कर दें काउंट प्लस 1 की, यानी कि काउंट में एक ऐड कर दें, मुझे पता चल जाएगा मैंने एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आउटपुट करें काउंट को, और यहाँ पे आप लोगों का एल्गोरिथम हो जाता है शो। अब इस एल्गोरिथम में कुछ एरर्स हैं, लेकिन वो कैसे पता चलेंगी इसमें किस किस्म की एरर्स हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हम अपने एल्गोरिथम के अंदर से एरर्स को फाइंड करते हैं और उसे रिमूव करते हैं। ट्रेस टेबल के थ्रू ही हमें पता चलता है कि हमारे एल्गोरिथम में कोई एरर है। अब ट्रेस टेबल क्या करता है, एरर्स को फाइंड आउट करता है और उन्हें रिमूव करता है, और इंश्योर करता है कि किसी भी किस्म का लॉजिकल एरर जो है वो मेरे एल्गोरिथम में ना हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एरर फेस करने को आएगा वो लॉजिकल होगा। हम लोगों को आउटपुट तो मिल रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा, हम लोगों ने लॉजिक में कहीं ना कहीं कोई गलती की। सबसे पहले ट्रेस टेबल देख लेते हैं, ट्रेस टेबल क्या होते हैं। ट्रेस टेबल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, एरर्स को फाइंड करते हैं और करेक्ट करते हैं। सेकेंड वन, क्या आप लोगों के पास ट्रेस टेबल की एग्जाम्पल ट्रेस टेबल बना हुआ है। ट्रेस टेबल में हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और मल्टीपल रोज होती है, इनके ट्रेस टेबल मल्टी कॉलम्स और मल्टी रोज से मिलकर बनते हैं। कॉलम से हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज का नाम देते हैं, जिसमें काउंट लिखा है, इसका मतलब इस कॉलम में सारी काउंट की वैल्यू स्टोर करवानी, ऑल हाइट्स एंड हाइट्स। और रोज में हम क्या करते हैं, अपना डाटा इंसर्ट करते हैं, जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, जो हमने डाटा गैदर किया होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप था स्टार्ट। यहाँ पे देखें मैंने सबसे पहले स्टेप्स मेंशन किए, स्टेप 1 2 3 4 अप टू 7। स्टेप 1 पे मेरे पास काउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप मेरे पास ये स्टार्ट, इनकी काउंट की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, काउंट मेरे पास के एम्प्टी, हाइट्स भी मेरे पास नहीं है, अब मैंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट ही नहीं किया। अगर मैंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं किया इसका मतलब है मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर पर्सन की हाइट भी नहीं है। तो अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है उस टाइम पे आप लोगों ने ये डैश डाल दिए ताकि पता चल जाए हमारे पास डेटा नहीं है। सेकेंड स्टेप है सेट काउंट टू जीरो। मैंने यहाँ पे काउंट की वैल्यू को जीरो सेट कर दिया। तो देखिए स्टेप टू में मैंने काउंट को जीरो सेट कर दिए। अभी मेरे पास हाइट्स या ऑल हाइट्स नहीं है, इसका मतलब है ऑल हाइट्स भी नहीं है और हाइट्स भी नहीं है। थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया है, एक लिस्ट एक अरे बनाई है जिसमें मैंने 8 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया। वो लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है 154, 140, 155 अप टू 8 स्टूडेंट की हाइट जो है वो मैंने एक लिस्ट एक अरे में स्टोर की थी। और स्टेप 3 में मैंने क्या किया था, सेट की थी ऑल हाइट्स और वो यहाँ पे स्टेप 3 में मैं उसे मेंशन कर दूंगी। स्टेप 4 में कहने फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल हाइट्स। सबसे पहली हाइट उठाएं ऑल हाइट्स की लिस्ट में से और चेक करें कि क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। मैंने यहाँ से सबसे पहली हाइट उठा ली है 150। स्टेप 1 में मैंने हाइट ली है 150। फिफ्थ स्टेप में मैं चेक करूंगी इफ हाइट इज ग्रेटर देन 144। हाइट जो है वो 144 से ग्रेटर हो और 164 से लेस और इक्वल। तो देखिये 154 जो है ना 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस है। इसका मतलब है मेरी कंडीशन जो है यहाँ पे सेटिस्फाई है। देन सेट काउंट टू काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू में एक ऐड कर दी। पहले मेरे पास काउंट 0 था, 154 पे मैंने कंडीशन चेक की, मेरी कंडीशन सेटिस्फाई थी। काउंट की वैल्यू में मैंने क्या कर दिया, एक इंक्रीमेंट। नेक्स्ट दोबारा से स्टेप 5 के बाद हम स्टेप 4 की तरफ मूव करेंगे क्योंकि हमने 1 बाय 1 सारे स्टूडेंट्स चेक करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट साइड लूंगी 140। अब मैं कंडीशन चेक करूंगी 140 जो है क्या ये 144 से बड़ा है, नो, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमने काउंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप 4 में मैंने हाइट ली है 140, लेकिन 140 मेरी इस कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब है काउंट में कोई भी ऐड नहीं होगा और काउंट की वैल्यू देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या है 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू में लूंगी 155। अगर आप देखिए 155 जो है 144 से ग्रेटर है और 164 से लेस और इक्वल है। इसका मतलब है कंडीशन सेटिस्फाई है और यहाँ पे काउंट की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। जैसे ही मैंने 155 लिया देखिए मेरे काउंट की वैल्यू क्या होगी, 2। पहले वो 1 थी, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 2 हो जाएगी। इस तरह हम 1 बाय 1 इन सारी हाइट्स को चेक करेंगे और अपना ट्रेस टेबल बनाएंगे। 164 144 से बड़े और देखिए 164 से छोटा या उसके इक्वल है। तो देखिए 164 के इक्वल है। इसका मतलब है काउंट क्या हो जाएगा, 3। जैसे ही 164 लेंगे काउंट की वैल्यू में एक हो जाएगा इंक्रीमेंट। नेक्स्ट वैल्यू है 144। अब यूजर ने जो हमें रिक्वायरमेंट दी उसने क्या कहा था, 144 टू 164, यानी कि 144 से 164 हाइट तक के जितने भी बच्चे हैं उन सबको आप लोगों ने सेपरेट करना है। 144 जो है वो यहाँ पे कंडीशन के हाइट इज ग्रेटर देन 144, ये 44 से बड़ी तो नहीं है लेकिन लेस देन है। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, आप लोगों ने 144 से 164 तक के दरमियान की वैल्यू लेनी है। यहाँ पे जैसे 144 आया देखिए इंक्रीमेंट नहीं हुआ, क्यों, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एरर। यहाँ पे लॉजिकल एरर क्या है, वो कह रहे थे आपने 144 से लेनी है, यानी कि 144 भी इंक्लूड होना चाहिए। तो इसका मतलब हाइट होनी चाहिए ग्रेटर देन ऑफ equals to 144। तो ये था हमारा वो लॉजिकल एरर जो हमें इस ट्रेस टेबल की मदद से पता चला है। इस किस्म के एरर जो है ये आप लोग ट्रेस टेबल से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने 1 बाय 1 इन सारी वैल्यूज का ट्रेस टेबल बनाना है और आप लोग अपने एरर को फाइंड आउट कर लेते हैं। ये था आप लोगों का आज का टॉपिक ट्रेस टेबल का। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।